अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की धूम टीकमगढ़ में भी देखने को मिली। यहाँ ग्रामीणों ने राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर बड़ी धूमधाम से सुंदरकांड का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। ग्राम नया खेड़ा में ग्रामीणों ने राम मंदिर शिलान्यास को ऐतिहासिक बताते हुए इस दिन को धूमधाम से मनाया। ग्रामीणों ने पहले से ही गाँव के सामुदायिक भवन में सुंदरकांड के आयोजन के लिए रूपरेखा बना ली थी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया, ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बना। पूरा गांव राम के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान भगवान श्री राम के चित्र पर पूजा पाठ और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक दिन बताया और कहा, अब सही मायने में राम राज की स्थापना होगी। अपने राम जन्मभूमि पे जो मोदी जी ने समय रखो तो वही समय के अनुसार हम लोग भी उनके कहने से श्री राम की खुशी में कार्यक्रम रख दो। सब गांव वालों ने मिल गए सुनना का चांदी की ईंट होते भगवान के खुशी में हम लोगों ने भी उनके साथ कार्यक्रम यहाँ पे सभी गांव वालों ने मिल के कर दिया। आज सुबह से ही प्लान बनाया कि हम लोगों ने सोचा आज 5 तारीख है और वहाँ जो मंदिर बन रहा है क्यों ना हम लोग भी उसी में मंदिर के साथ जो आज जन्मभूमि का स्थान है जहाँ वहाँ पर भगवान राम को स्थापित किया जा रहा है क्यों ना हम लोग भी ये कार्यक्रम रख के वहाँ की जगह यही अयोध्या बना ले और यहीं पर भगवान राम की स्थापना करें। तो हम सब गांव वाले यहाँ एकत्र हुए और सब ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया धार्मिक सुंदरकांड किया और अच्छे सब अच्छे मन से जो है कि गाँव वालों ने मिलकर श्री राम का भी स्वागत किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।